भाई बहुत ज्यादा लेट हो गया आज। एक्चुअली 12 बजे हम लोग को पहुंचना था ब्लॉगर्स मीट में। 12 बजे की जगह अभी टाइम हो रहा है 1:04 एंड पहुंच गए हम लोग अपने लोकेशन पे। आप मेरे पीछे देख रहे हैं यशवी इंटरनेशनल, जो कि साक्षी में है, रामलीला मैदान के ऑपोजिट साइड में। अगर आपको डायरेक्ट फूड वाला पार्ट में जंप करना है तो दिस इज द टाइम स्टैम्प। अब आगे जाते हैं एंड अंदर में क्या सीन है वो तो मेरे को अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा, बिकॉज मेरे को तो इन्वाइट किया गया यहाँ पे, तो वो भी चलते हैं अंदर। तो यशवी इंटरनेशनल का जो रेस्टोरेंट, उसके बाहर में खड़ा हूँ, ये देखिए चेस्टनट नाम है उसका रेस्टोरेंट का। अभी हम लोग चलते हैं उसके अंदर क्योंकि खाना वहीं पे सर्व होगा, और यहाँ पे और भी दो चार प्लेसेस है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ तो उसका थोड़ा देर बाद। एंड देखिए क्या गजब लोकेशन है यहाँ पे, यहाँ का वाइब्स ही पूरा अलग है, एकदम लग्जरी डाइनिंग काइंड ऑफ। तो अभी चेस्टनट रेस्टोरेंट जो है ये लोग, उसके अंदर हम लोग बैठे हुए हैं एंड मेरे को ये लिस्ट मिला है, लिस्ट ऑफ डिशेस जो हम लोग को सर्व किया जाए। तो दीज आर सम ऑफ द डिशेस जो आ गया है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने सारे डिशेस हैं। तो अभी मैं एक बार भैया से पूछ लेता हूँ कि क्या क्या डिशेस है यहाँ पे। भैया बता दीजिए थोड़ा। वो है ये क्या है भैया? मशरूम एंड ग्रीन ऑनियन डिमसम। और ये भैया? चिकन एंड ग्रीन चिली डिमसम। तो अभी जो डिशेज है यहाँ पे, मैंने आपको सारा नाम बता दिया। मैं क्या करता हूँ ना, मैं कुछ शॉर्ट्स और फोटोज ले लेता हूँ ताकि मैं इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर सकूँ। ये आप देखिए कि हम लोगों का फर्स्ट सेट ऑफ फूड था यहाँ पे, स्टार्ट बहुत कुछ था, हम दिखाएं आपको। एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेन कोर्स है एंड भाई साहब क्या गजब लग रहा है। तो ये रहे हम लोगों के शेफ सर, आपका नाम क्या था? अनूप शेफ। अनूप शेफ सर, आप थोड़ा बता दीजिए क्या क्या डिशेज है यहाँ पे। हमारे पास डिशेज है ये क्लासिक स्पेगेटी अला ओलियो, मसाला वेजी कैनालोनी, ट्रेडिशनल थाई ग्रीन करी चिकन विद लेमन राइस, आलू कॉर्न टकाटी, लाजवाब कोफ्ता, ऑल टाइम फेवरेट दाल मखनी एंड मटन कस्सा और सम इंडियन ब्रेड। यहाँ पे चार डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडियन ब्रेड्स है, तो ब्रेड बास्केट है। हाँ, ब्रेड बास्केट से और वेज बिरयानी है ये। देखिए क्या गजब लग रहा है ये स्प्रेड जो, भाई आई जस्ट कांट वेट टू ट्राई देम। एंड भाई आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे डेसर्ट्स भी आ गया। ये रहा हम लोग का स्टार्टर्स वाला टेबल, वो मेन कोर्स वाला टेबल एंड ये डेसर्ट्स आ गए। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या डेसर्ट्स है। ये है रेड वेलवेट चीज केक, ये है मिस्टी दोई पैनाकोटा, और ये है ब्राज़ीलियन सैम्बा मूस। वाओ, दैट्स अ यूनिक नेम। सो अभी दोस्तों आपको दिखाएं ये तीनों डेसर्ट्स, और दो डेसर्ट्स अभी आए हैं। ये है रॉकी रोड ब्राउनी और ये है ओपेरा ऑन प्लेट। एंड आप देख रही है कितना सुंदर लग रहा है, मतलब ये भी सुंदर लग रहा है, अरे भाई ये भी सुंदर लग रहा है, और ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो भाई हो गया सारा फोटोज शूट करना, खाने का वीडियोज लेना, आप तो देख ही लिया। अब बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है, क्या करते हैं कुछ खाते अभी है। अब तो सबसे पहले ये वाला लेते हैं, भाई क्या गजब लगा। यू कैन सी इसका स्टफिंग्स भी कितना ज़्यादा लाइक एकदम मोटा मोटा सा लग रहा है। इसको डिप करते, कोई तो डिप दिया हुआ यहाँ पे। और ये रहा पिज्ज़ा, इसको भी थोड़ा ट्राई किया जाए। भाई आई नो थोड़ा ठंडा हो जाता है क्योंकि फोटोज वोटोज खींचते खींचते चीज़ पुल तो होगा नहीं, ऑल्सो यू नो थिन क्रस्ट है ये, तो उतना ज़्यादा आई डोंट थिंक सो चीज़ पुल होता भी। अब थोड़ा इसको ट्राई किया जाए, देखने में तो क्या गजब लग रहा है। देखिए ऐसे हम लेयर्स है इसमें, ये वाला बहुत ज़्यादा यू नो क्यूट सा लग रहा था, ये तो मेरे को ट्राई करना ही था। ये वेज है एक्चुअली, मशरूम वाला डिमसम्स और इसके साथ ये डिप्स है। एंड ये वाला जो डिश है इसको अभी ट्राई करेंगे। ये मैंने ना मैट स्टोनी के वीडियो में देखा था, भाई बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा था।
इसमें एक्चुअली ना फ्राइज रहता है और ऊपर से बहुत ज़्यादा चीज़ का टॉपिंग होता है, इसको ट्राई करता है। अब ट्राई करते हैं ये जो चिकन वाला मोमो था। पता है यहाँ पे जो मेन कोर्स है इतना सारा है, सारा ही दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, बट कौन सा डिश सबसे ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है? अब हम लोग जा रहे हैं ये लोगों का जो एक स्पोर्ट्स बार एंड लाउंज है 60ml नाम से, वहां चलते हैं। यहाँ पे भी कुछ कुछ हम लोग को सर्व किया जाएगा, तो देखते हैं क्या सीन है यहाँ का। सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना सारा डिशेस और सर्व किया हुआ है, तो नाम तो मेरे को पता है नहीं सबका, तो एक बार हम पूछ लेते हैं कि कौन सा क्या क्या है। यशवी स्टाइल पनीर टिक्का, क्लासिक चिकन टिक्का, क्लासिक चिकन टिक्का, मुर्ग के पर्चे, सब्ज मलाई सीख कबाब, देसी स्वैग नाचोस, विश्लिंग पनीर, ब्रोकली एंड पाइनट डिशम, प्रॉन डिमसम, ओल्ड दिल्ली मुर्ग मखनी, लाक्सा सी फूड नूडल्स, इटालियन ग्रिल्ड फिश, ग्रिल्ड चिकन पनीनी। ओके, एंड देखिए भाई बहुत ज़्यादा अमेजिंग है ये, लाइक दिस इज लाइक वर्थ ट्राइंग आउट एटलीस्ट वंस। लाइक आप आओ यहाँ पे, लाइक मेरे को भी नहीं पता था कि यशवी में इतना सारा चीज़ मिलता है यार, यू मस्ट डेफिनेटली कम हियर। एंड जब तक आप आओगे नहीं आपको खुद से पता नहीं चलेगा इसका टेस्ट एंड ऑल। मैं तो बता सकता हूँ कि टेस्ट कैसा है, बट यू रियली नीड टू ट्राई इट योरसेल्फ। एंड बस फूड ही नहीं, यहाँ पे ड्रिंक्स भी बहुत अमेजिंग है। मैं आपको दिखाता हूँ ड्रिंक्स यहाँ पे जो जो हम लोग को सर्व किया गया है अभी। देख रहे लेकिन क्या गजब गजब नाम है इसका, और प्रेजेंटेशन तो भाई नेक्स्ट लेवल है। तो सबसे पहले ना मैं ये पनीर टिक्का जो है ये लोगों का स्पेशल यशवी पनीर टिक्का ट्राई करता हूँ। ये भाई क्या टेम्पटिंग लग रहा है देखिए। एंड भाई ये जो चिकन है ना, मेरे को मलाई वाला बेस्ट लगता है, ये भी अमेजिंग होता है, बट मेरे को जो वाइट वाला होता है वो बहुत ही गजब लगता है। तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू ट्राई दिस वन। और भाई जब पनीर और चिकन ट्राई कर लिए तो ये सब्ज सीख कबाब जो है भाई, अब देखो टेक्स्चर देखो आप इसके। अरे भाई फोकस हो गया, ये क्या गजब लग रहा है, इसको भी ट्राई कर लेते हैं थोड़ा। एंड ये था प्रॉन डिमसम्स, वाओ भाई क्या स्मूथ सा लग रहा है, मस्त सा। एंड ये वाला तो भाई ट्राई करना बनता ही है, बिकॉज ये पहली बार देखें। तो ये नाचो उसको ट्राई करते हैं थोड़ा, और नाचो उसको ये सालसा के साथ, सालसा आ गया इसके ऊपर, बस राहत अजब लग रहा है। और ये गया मेरे मुँह। एंड फिर क्या था, फिर हम लोग सबको जितने भी ब्लॉगर्स थे वहाँ पे सबको एक साथ बैठ के जितने भी डिशेस थे सारे, मतलब सारे तो नहीं, कुछ कुछ डिशेस हम लोग सबको ट्राई किए। सो ये मेरा प्लेट एंड और हम खा नहीं सकते हैं, बट देखिए अभी भी खाना कितना बाकी है, अफकोर्स कुछ वेस्ट नहीं होगा। एंड ये देखिए यहाँ पे डिसर्ट्स भी सब एक प्लेट में हम लोग कर दिए, क्योंकि टेबल में भी जगह है नहीं। सबसे पहले यू नो ये रेड वेलवेट वाला ट्राई करते हैं। फक ये क्या हो गया, ऊपर वाला लेयर पूरा ही लग गया, इसको खा लेते पहले। मस्त है सारा डेजर्ट, ये लोगों का बहुत थिक है। एंड जो सबसे ज्यादा सेक्सी बाकी खाना था हम लोगों का, वो पैक हो गया, वो इसमें है, इसको लेके हम लोग चल जाते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस प्लेस। अब सब खाना वाना हो गया है, रिव्यू तो हम आपको बताएं कि दिस प्लेस इज रियली अमेजिंग एंड यू शुड डेफिनेटली कम हियर एंड ट्राई आउट द डिशेस। और यहाँ का हॉस्पिटैलिटी का मजा आपको लेना चाहिए, बिकॉज दिस इज टोटली नेक्स्ट लेवल।
सो विद दैट दिस द एंड ऑफ द वीडियो, एंड अगर आप न्यू हैं इस चैनल को, पहली बार देख रहे हैं इस चेहरे को, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए. कमेंट कीजिए कि कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, एंड इज देयर एनी मोर प्लेसेस यू वांट मी टू कवर, एंड डेफिनेटली शेयर इट विद योर फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स. तो चलो, सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो.